कौन साहब? राम राम। राम राम भाई, यू 2016 तारीख ने इंसिडेंट होया है, लाठीचार्ज होया है, उसमें कोई बाहर के आदमी बड़के ने कोई रोला करवाने में कामयाब हुए हैं, कड़े भूल चुके हैं, किस वजह से उन्होंने लाठीचार्ज कराया? ये वो क्या था, मुख्यमंत्री तो आकर जा लिया था। अच्छा। और उनको पुलिस वाला प्रशासन को पता था मुख्यमंत्री जा चुका है, बाद में उधर जाने बाद हमारे को पता लग गया था मुख्यमंत्री जा लिया, तो हमारे यहाँ अपने शांतिपूर्वक नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। अच्छा। वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी आई और वो एक खंभे में टकरा गई थी। अच्छा। उसमें बंदे अंदर थे, उनको निकालने लगे, तो पुलिस वाला ने सोची भाई इनको मार रहे हैं तो वो गलतफहमी हुई है। अच्छा। या उनकी पहले से ही कोई मनसा थी, लेकिन अभी जो हिसाब किताब लगा रहे थे, इनकी पुलिस की पहले से ही मनसा थी लाठीचार्ज करने की। अच्छा। और उसके बाद जो लाठीचार्ज करें पाछे प्रशासन का गल्ला है, जो समझौता होने की बात हुई थी उसमें वह भूल चूक कड़े हुई कि निराय उनका लुचपना था, जिसकी वजह से उनने फिर पाछे धोखेबाजी करी है। सबसे बड़ी भूल चूक थी, एक तो उनका लिखवा के नहीं लिया। अच्छा। उनने बोलिया, आईजी ने बोलिया और हमने मान लिया भाई ठीक है, इसने बोल दिया हम कोई केस नहीं करेंगे, तुम कोई केस नहीं करोगे। फिर रातों रात इनने केस कर दिया 350 आदमियों पे। अच्छा। 42 का नाम दे दिया अखबार में। हाँ। और 308 का नाम रोक दिया। अच्छा। 350 आदमियों पे केस है टोटल। अच्छा। वो तो नाम अब आगे आएंगे। तो फिर अगले दिन फिर इनसे बातचीत की, भाई तुमने केस किया वो केस वापस ले लो। अच्छा। ये लोग नहीं माने। अच्छा। तो नहीं माने तो बता दिया था भाई 24 तारीख को अपना वो करेंगे, फैसला करेंगे हम अपना। अच्छा। और सभी किसान आएंगे, सभी किसान नेता आएंगे। अभी हमारी एक यूनियन के बंदे वो गए हुए हैं अंदर फैसला करवाने के लिए, अगर फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी तक तो ये सरकार जिम्मेवार थी, अगर कुछ भी होता था तो अब ये प्रशासन भी जिम्मेवार होगा। ठीक है। तो उस दिन जो होया था, उस दिन की कोई वीडियो वगैरह, कोई भी वीडियोग्राफी भी को नहीं हुई समझौता वाले दिन? नहीं, कुछ नहीं किया था। अच्छा। यही गलती हो रही है, अपना थोड़ा कच्चापन रह गया, कच्चापन रह गया, तो लिखवा के नहीं लिया, इनकी बात पर भरोसा कर लिया। ये आप भरोसा इसलिए कर लिया, भाई प्रशासन के आदमी है, आईजी लेवल का बंदा है, क्या झूठ बोलेगा। अच्छा। लेकिन ये नहीं पता था कि आजकल आईजी सब नेताओं से भी ज्यादा झूठ बोलते। अच्छा, मतलब सारे न्यू समझ लिया, मतलब बेकरे हैं, बेकाउस होता पूरा का पूरा, नीचे से लेकर ऊपर तक। ठीक है। तो ईब जो आज बात हो रही है, आज जितना जमघट होया है किसान आंदोलन, जितना भाईचारी जुड़ा है जी, इसका आपने जो दिल्ली में यू जो आज वाला भाईचारा इकट्ठा हुआ है, तो इसका दिल्ली में जो धरना चल रहा है उसमें कितना जोश बढ़ेगा? सारा ही जोश बढ़ेगा। इधर से जैसे पहले इन लोगों ने महापंचायतें की थी नेताओं ने, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो ये भाईचारा इकट्ठा हुआ ना, एक कॉल पे इकट्ठा हो गया, ये अपने आप आए, किसी ने ये नहीं भाई घर पे जाके बुलाया है, एक कॉल के ऊपर आए हैं, और इन लोगों की मनसा यहाँ के बाद हम दिल्ली बढ़ाएंगे अपनी जनसंख्या। ठीक है। तो बीच में जो सहयोग सरकार है, एक कोरोना का झूठा साचा भूत खड़ा कर रही है, उसका लोग कितना भय मान रहे हैं या उसने कितना दरकिनार कर रहे हैं? कितना भय दिख रहा है आपको? मेरे से क्यों पूछ रहे हो, खुद ही देख लो कितना भय दिख रहा है, कौन आड़ा मास्क बांध रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसका मतलब है सरकार का ड्रामा है, वो लोग है ऊपर कोई ना ये देखो ना, इस कोरोना दौरान इन घपले कितने कर दिए है। जिस दिन भी प्रधानमंत्री टीवी पर अगर होता है ना, ध्यान से पूरे कागज न्यूज चेक करना, कितने कितने घपला करके जब रोया कर रहे हो। ये अभी कल परसों जो रोया था ना, 99,000 करोड़ रुपए निकाल कर RBI से, तब रोया है। मतलब लोगों का ध्यान भंग करने खातर ड्रामा कराया जावे? बिल्कुल, मगरमच्छ से भी बुरा है ये तो। चलो ठीक है, शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद।